नमस्ते, प्लीज स्टैंड ऑन योर योगा मैट और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा यानी कि एक फुट का अंतर रखें। हैंड्स जॉइंड इन नमस्ते, क्लोज योर आईज, ब्रीथ नॉर्मली। जैसे आप इनहेल करें, अपनी चेस्ट और अपने लंग्स का एक्सपेंशन फील करें। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो लंग्स और चेस्ट नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। नाउ इनहेल एंड चैंट ओम 3 टाइम्स। राउंड 1, राउंड 2। राउंड 3। फील द साइलेंस। अब दोनों पैरों को खोल दे। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखें। बोथ हैंड्स ऑन बैक। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ झुके। ड्रॉप योर हेड बैक। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। नाउ एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। Place both the hands on the mat. और अब अपनी बैक से ऊपर नीचे हिले। Try to move from your hip joints. Keep your back straight and spine long. From the elbow. Now, fold both hands and hold them from the elbows. नीचे की तरफ झुके हुए रहे। अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आएं। और धीरे से पीछे की तरफ झुके। अगेन एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। अब दोनों हाथों को फ्लोर पे रखेंगे और दोनों हाथों से अपनी राइट साइड पर वॉक करेंगे। राइट लेग के पास में दोनों हाथ रखेंगे। कीप ब्रीदिंग एंड ट्राई टू टच योर नोज ऑन द नी। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आए और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड पर जाए। प्लेस बोथ द हैंड्स बिसाइड योर लेफ्ट फुट। Exhale and try to touch your knee with your forehead. Stay here for a few breaths. Inhale करते हुए center में आए और दोनों ankles को grab करें। Exhale and try to pull your upper body in. दोनों पैरों के बीच में अंदर की तरफ जितना पुल कर सके अपने बॉडी को पुल करें।
hands on your waist, inhale and come up. Release the posture, shake your legs. अब हम कुछ एक्सरसाइजेस हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स के स्ट्रेच के लिए करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का गैप रखें। Turn your right foot outward, turn your upper body towards your right. हाथ ऊपर लें। एक्सहेल करते हुए बेंड करें। अब राइट लेग को हील पे लाएं, दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखें एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर नी। इनहेल करते हुए ऊपर उठें। अब अपना राइट फुट सीधा करें और लेफ्ट फुट को आउट टर्न करें। एक्सहेल करें और लेफ्ट साइड पर नीचे झुकें। वीडियो को देखते रहें। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखें। यह आसन करने से हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। इसके साथ ही अगर बैक आपकी स्टिफ है तो उसमें भी राहत मिलती है, हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। नाउ इनहेल एंड कम ऑल द वे अप। एक्सहेल, हैंड्स डाउन एंड रिलीज द पोस्चर। Shake your legs. अब दोनों पैरों को पास में रखेंगे। Hands on your waist. Right leg को knee से bend करते हुए ऊपर उठाएंगे। अब हम गरुड़ासन करने जा रहे हैं। Right thigh को left thigh पे रखें और right पैर को नी से बैंड करते हुए लेफ्ट लेग के पीछे ले जाएं। दोनों पैरों को कंप्लीट ट्विस्ट करें और दोनों हाथों को भी ट्विस्ट करें। स्टे हियर। एक्सहेल एंड रिलीज द पोस्चर। अब यही सीक्वेंस हम लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर ले जाते हुए करेंगे। गरुड़ासन से एंकल्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आसन एकाग्रता में भी सुधार लाता है। गरुड़ासन करने से शोल्डर्स, अपर बैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। ये आसन मसल्स को टोन करता है। अब एक्सहेल करते हुए पोस्चर रिलीज करें। शेक योर लेग्स। अब हम वीरभद्रासन का एक वेरिएशन करेंगे। इसके लिए दोनों पैर खोल दें। पैरों के बीच में 3 फीट का गैप रखें। Hands on your waist. अब अपना राइट फुट आउट टर्न करें। लेफ्ट फुट को जितना हो सके खींचे। Now inhale and come back to center. Now come on the top of your mat और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। And stand straight. पूरे फीट पे आपके बॉडी का वजन हो उस बात का ध्यान रखें।
दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ेंगे और प्रणाम आसन में खड़े रहेंगे। इनहेल हैंड्स अप, हस्त उष्ट्रासन करेंगे। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। एक्सहेल करते हुए धीरे से आगे की तरफ बेंड करें और हस्त पादासन में आए। इसमें दोनों हाथ दोनों पैर के बाजू में रहेंगे, फोरहेड ऑन द नी। अब इनहेल करते हुए धीरे से अपना राइट पैर पीछे ले जाएं, राइट नी ऑन द मैट, लेफ्ट फुट बिटवीन द टू हैंड्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे। लुक अप, कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पे रखेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। दोनों फीट के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, हिप्स को ऊपर की तरफ खींच के रखें। बोथ द हील्स ऑन द ग्राउंड। ये पर्वतासन था। अब हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। इनहेल, कम टू भुजंगासन। लुक अप और भुजंगासन में कुछ देर तक स्थित रहे। ध्यान रहे कि आपका हेड, चेस्ट और स्टमक फ्लोर से ऊपर है। एक्सहेल करते हुए फिर से पर्वतासन में आएंगे। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस प्राचीन काल से बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे हैं। अब इनहेल करते हुए राइट लेग को आगे लाए, दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट नी ऑन द फ्लोर, हैंड्स अप, स्ट्रेच। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य, शक्ति, बुद्धि सभी में वृद्धि होती है। अब एक्सहेल करते हुए हाथों को फ्लोर पे रखेंगे एंड लेफ्ट फुट फॉरवर्ड। कंप्लीट स्विच डाउन, हस्त पादासन में फिर से थोड़ी देर रुकेंगे। सर्वोपरि मानवीय चेतना के आध्यात्मिक विकास में भी सूर्य नमस्कार बेहद बेनिफिशियल है। अब इनहेल करें, स्ट्रेच अप, एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। ब्रीथ। सूर्य नमस्कार का आधा राउंड पूर्ण हुआ। अब सूर्य नमस्कार का दूसरा आधा राउंड करेंगे। सूर्य नमस्कार का बाकी का आधा राउंड वीडियो देखते देखते साथ में करते जाएं। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखें। योग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए सूर्य नमस्कार का काफी महत्व माना गया है। कहते हैं कि आज की लाइफस्टाइल में जब इंसान पूरा दिन दौड़ता रहता है, तब अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मानसिक खुशी के लिए समय निकालना इंसान के लिए धीरे धीरे असंभव होता जा रहा है। ऐसे समय में सूर्य नमस्कार सभी लोगों के लिए बेहद आशीर्वाद रूप है। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक संपूर्ण साधना है। सूर्य नमस्कार में आसन, प्राणायाम और ध्यान
सभी क्रियाओं का समावेश किया गया है। इसीलिए नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करने से इंसान के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में विकास होता है। प्राचीन समय से ही जब से इंसान अपने अंदर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जागृत हुआ है, अवेयर हुआ है, तभी से सूर्य नमस्कार का अभ्यास होता आया है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य को नमस्कार करना, नमन करना, यानी कि सूर्य की पूरे मन से और पूरे भाव से उपासना करना। भगवान सूर्य नारायण को सृष्टि का सबसे बड़ा भगवान माना गया है, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का मुख्य स्रोत यानी कि द बेस ऑफ द एनर्जी इज सन, जिन्हें भारतीय शास्त्र में भगवान सूर्य नारायण कहा गया है। इसीलिए सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन हम करते हैं उन आसनों के दौरान सूर्य को वंदन करने का भाव कंटिन्यूअस करते रहे। पृथ्वी पर जितने भी जीव है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, सभी का आधार सोलर एनर्जी पर है, यानी कि सूर्य की शक्ति पर है। इसी भाव के साथ हम पूरा सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य को वंदन करते हुए सूर्य नमस्कार का एक राउंड यहाँ फिनिश हुआ। ब्रीद नॉर्मली एंड बी विथ योर ब्रेथ्स, रिलीज द पोस्चर। अब धीरे से अपनी मैट पर लेट जाएं। शवासन में आए, दोनों पैर के बीच में गैप रखें, हैंड्स लिटिल अवे फ्रॉम योर बॉडी, पाम्स फेसिंग द सीलिंग। अब दोनों पैरों को जॉइन करेंगे और नी से बेंड करेंगे, हैंड्स बिसाइड योर हिप्स, पाम्स फेसिंग द फ्लोर। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सीधा करें और नी से स्ट्रेट रखें। हम अर्ध हलासन कर रहे हैं। अर्धहलासन करने से हमारे पैर के सारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे लाएं और वहीं से हम सेतुबंध आसन में जाएंगे।
इनहेल करेंगे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। यदि आपको ये आसन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोनों हाथों को हिप्स या कमर पे रख के सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सहेल एंड हिप्स डाउन। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को वापस ऊपर उठाएंगे और अर्ध हलासन करेंगे। एक्सहेल करते हुए पैर नीचे रखें, इनहेल करते हुए बटक्स को ऊपर उठाएं, सेतुबंध आसन में आएं। ये आसन हमारे कोर मसल्स को बेहद ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपने कोर को फील करें। आपको स्टमक के आसपास बहुत ही दबाव महसूस हो सकता है। एक्सहेल एंड हिप्स डाउन। ब्रीथ नॉर्मल, रिलीज द पोस्चर। दोनों पैर सीधे करें और हिला लें। अब हम कटी वक्रासन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को नी से बेंड करें, दोनों फीट हिप्स के जितना पास रख सके रखें। अब दोनों पैरों के बीच में गैप बना लें। हैंड्स अपने शोल्डर लेवल पर रखें सीधे। अब दोनों नीज को एक्सहेल करते हुए राइट साइड पर फ्लोर पे टच करें। लुक एट योर लेफ्ट साइड। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। स्पाइन पे बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आ रहा है, उस ट्विस्ट को महसूस करें। इनहेल करते हुए सेंटर में आए और एक्सहेल करते हुए दोनों नीज को लेफ्ट साइड पर ड्रॉप करें। लुक एट द ऑपोजिट साइड। ये आसन करने से पैर मजबूत बनते हैं और शेप में आते हैं। जैसे कि आप फील कर रहे हैं, इस आसन से हमारी स्पाइन भी बहुत ही मजबूत बनती है। हम इसे बारी बारी से दोनों तरफ रिपीट करते जाएंगे। कटी वक्रासन करने से पेट के मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके अभ्यास से नीज और शोल्डर्स के जितने जॉइंट्स हैं वो स्मूथ होते हैं और वहां पे आराम मिलता है। स्पाइन और मस्तिष्क की चेतना के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये आसन लाभदायी है। दोनों पैर सीधे करें और थोड़े से हिला लें। अब धीरे से अपने पेट के बल लेट जाएं। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें और अपना फोरहेड या चीक उसके ऊपर रख के आराम से लेट जाएं। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस रखें। ये मकर आसन का वेरिएशन है जो कि हम रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। अब धीरे से अपने एल्बो पे आएं। एल्बो से लेकर फिंगर्स तक हमारे हाथ जमीन पर रहेंगे और हम अपनी चेस्ट और हेड को ऊपर उठाएंगे, अंगूठे बाहर की तरफ खींचे हुए। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। अब धीरे से इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठे, एल्बो को स्ट्रेट करें और एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड पे ट्विस्ट करें। इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड ट्विस्ट टू द अदर साइड।
inhale and back to center. Exhale करते हुए वापस नीचे आए. Keep breathing. अब दोनों हथेलियों को चेस्ट के बाजू में रखें, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप बना लें. अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे. इनहेल एंड कम अप, यानी कि आप अपना हेड, चेस्ट और स्टमक को ऊपर उठाएं. एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें. इनहेल एंड सेंटर, एक्सहेल एंड ट्विस्ट टू द अदर साइड. सेंटर में आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को हील्स के ऊपर रखेंगे, हाथों को पीछे की तरफ रख देंगे और बालासन में आराम करेंगे. अब धीरे से इनहेल करते हुए बैठ जाएं वज्रासन में. वज्रासन में बैठे रहें, स्पाइन सीधी रखें. दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ें. अब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए तीन बार ओम चैंटिंग करेंगे. इनहेल एंड चैंट ओम. राउंड वन. एक बार फिर से. एक बार और. अब ओम चैंटिंग के साइलेंस को फील करें. शरीर को शांत होने दे, मन को प्रफुल्लित होने दे, ब्रीदिंग को बैलेंस्ड होने दे. जब आप कंफर्टेबल हैं, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें और इनहेल करते हुए ऊपर आएं. Release the posture and open your eyes. Namaste.